बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लैब टेक्नीशियन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के सौजन्य से पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया गया, जिससे बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी कार्य को आज बंद कर दिया गया। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू की गई। पूरे अस्पताल केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि रविवार को लैब टेक्नीशियन को एंटीजन के द्वारा जांच किया गया था, जिसमें पॉजिटिव पाया गया। हालांकि मंगलवार को ही दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए फिलहाल अस्पताल परिसर में इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। ओपीडी की सेवा को दोपहर से बाधित कर दी गई है। कल से पुनः सेवाएं चालू रहेगी। सबसे पहले मंगलवार को संक्रमित पाए गए, इसके बाद चूंकि ये लोग सैंपलिंग का काम साथ में करते थे, तो हमारे के दो लैब टेक्नीशियन जो उनके साथ काम कर रहे थे अन्य, जिसमें एक की पोस्टिंग बागमारा में थी और एक कतरास, दोनों को मैंने मंगलवार से ही होम क्वारंटाइन कर दिया था, घर में रखा हुआ था। और फिर रविवार को इन लोगों का एंटीजन के द्वारा टेस्ट किया गया, एंटीजन में लोग पॉजिटिव पाए गए और रविवार को इन दोनों को कोविड अस्पताल पीएमसीएच भेज दिया गया, कैथ केयर वाले नए अस्पताल में। और चूंकि सोमवार को ऑलरेडी 3-4 पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सैंपलिंग करना था, इसलिए कल सुबह में अस्पताल खुलने के बाद सिर्फ सैंपलिंग पहले सैनिटाइज करवा के पूरे अस्पताल परिसर को अपने कर्मचारी से, उसके बाद सिर्फ सैंपलिंग का काम किया गया। ओपीडी की सेवा कल दोपहर 1 बजे के बाद से ही बाधित कर दी गई, बंद कर दी गई है। और आज सुबह से बीसीसीएल ब्लॉक 2 के एरिया AGM से संपर्क कर पूरे अस्पताल को, अस्पताल परिसर, आवासीय परिसर, सभी को सैनिटाइज करवा दिया गया है। आज तक अस्पताल बंद है। इमरजेंसी कल भी चालू था, कल रात में भी 2 पेशेंट आए थे डिलीवरी के, आज भी आए सुबह में 3 पेशेंट, कल से फिर चालू हो जाएगा। और कल से पूर्व की तरफ कार्य चालू रहेगा।